हेलो स्टूडेंट, आरसीआई एजुकेशन बांसुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बायोलॉजी क्लास में बात करेंगे पादप पुरस्थापन। पादप पुरस्थापन प्लांट इंट्रोडक्शन पादप प्रतिस्थापन क्या है? आपको पिछली क्लास में पादप प्रजनन क्रियाएं बताई गई थी। पादप प्रजनन क्रियाएं पादप प्रजनन क्रियाओं में हमने बात किया था आनुवंशिक विविधता उत्पन्न करना। आनुवंशिक विविधता उत्पन्न करना आनुवंशिक विविधता उत्पन्न करने के बिंदु में ही क्या था? पादप प्रतिस्थापन था, संकरण था, ग्रामर था, जिसमें सामान्य रूप से हम बात किया था पादप प्रतिस्थापन क्या है कि जब किसी पादप को उस स्थान पर ले जाकर उगाना जहां पर वह पहले पाया उगाया नहीं जाता हो उसे क्या कहा जाता है? पादप प्रतिस्थापन। ग्रामर का अध्ययन किया था तो आनुवंशिक विविधता उत्पन्न करने के क्या है? बिंदु है जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो पादप प्रतिस्थापन क्या है कि जब किसी पादप प्रजाति को उस स्थान पर ले जाकर उगाना जो पहले से वहां पाया उगाया नहीं जाता हो उसे कहा जाता है पादप प्रतिस्थापन। अर्थात पादप प्रतिस्थापन एक देश से दूसरे देश में दूसरे देश में अर्थात एक देश में एक प्रांत से दूसरे प्रांत में क्या किया जा सकता है? पादप प्रतिस्थापन किया जा सकता है। जैसे हम बात करते हैं कि पंजाब में धान, इसी प्रकार से हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल में गेहूं तथा अंगूर को हरियाणा में उगाना एक प्रकार से क्या है? पादप प्रतिस्थापन है। ध्यान रहे कि जब किसी पादप प्रजाति को उस स्थान पर ले जाकर उगाना जो पहले वहां पर पाया हुआ नहीं जाता हो उसे क्या कहा जाता है? पादप प्रतिस्थापन। जैसे अभी आपको बताया गया था धान, गेहूं और इसी प्रकार से अंगूर के बारे में आपको बताया गया है पादप प्रतिस्थापन के उदाहरण है कि जिसमें धान को पंजाब में उगाना, गेहूं को पश्चिम बंगाल में उगाना, इसी प्रकार से अंगूर को हरियाणा में उगाना एक प्रकार से पादप प्रतिस्थापन का उदाहरण है। पादप प्रतिस्थापन के दो प्रकार हैं। पादप प्रतिस्थापन के कितने प्रकार हैं? दो प्रकार। नंबर एक प्राथमिक पादप प्रतिस्थापन और स्थापन। नंबर दो है द्वितीयक पादप प्रतिस्थापन। प्राथमिक पादप प्रतिस्थापन क्या है कि जब किसी पादप प्रजाति को या किसी पुरस्थापित किस्म को बिना किसी चयन के
किसी क्षेत्र में ले जाकर क्या करना, उगाना, क्या कहलाता है? प्राथमिक पादप पुरस्तापन कहलाता है। इसमें चयन नहीं किया जाता है, बिना किसी चयन के किसी क्षेत्र में ले जाकर क्या किया जाता है, उगाया जाता है। जैसे IR8 है, धान की किस्में IR28 है, गेहूं की सोनारा किस्म है, ये कुछ एक प्रकार से प्राथमिक पादप पुरस्तापन के उदाहरण है। द्वितीयक पादप पुरस्तापन क्या है कि जब किसी पुरस्तापित किस्म को चयन करके तथा स्थानीय किस्म से संकरण करा के उन्नत किस्मों का विकास किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? द्वितीयक पादप पुरस्तापन कहा जाता है। जैसे गेहूं की किस्म है सोनालिका है, कल्याण सोना है, जो एक प्रकार से द्वितीयक पादप पुरस्तापन का उदाहरण है। किस्में चयन किया जाता है और उसके बाद में जो पुरस्तापित किस्म होती है उसका स्थानीय किस्म के साथ क्या करवाया जाता है? संकरण कराया जाता है और उसके बाद में नई किस्म के रूप में विमोचित किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? द्वितीयक पादप पुरस्तापन। और इसमें क्या किया जाता है कि जब पुरस्तापित किस्म होती है उसका बिना चयन के एक प्रकार से नई किस्म के रूप में विमोचित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? प्राथमिक पादप पुरस्तापन। तो ये अपना पुरस्तापन पादप पुरस्तापन टॉपिक था। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।